अब शो रहा रिकॉर्डिंग। हाँ सर। ओके तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट सर वेटिंग रूम ओके सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किसी ऑब्जेक्ट पर अगर उसके मोशन की डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो स्पीड बढ़ती है या डायरेक्शन चेंज होती है। वेलोसिटी वेलोसिटी का क्या चेंज होता है, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन। पर वापस एक बार बोलना। मैंने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना एनालिसिस ऑफ फोर्स, एक पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है जैसे पार्टिकल है, ठीक है, इसका मोशन इस तरफ हो रहा है और फोर्स भी इसी तरफ लग रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स। क्या बोलते हैं, लास्ट लेक्चर रिवाइज किया सबने। इससे वेलोसिटी का क्या चेंज होता है, मैग्नेटिक डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक। और अगर पार्टिकल की वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अगर फोर्स लगे तो इससे पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज होता है। समझ में आया। यस सर। ऐसे वाले फोर्स से जो एक्सेलेशन आता है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलेशन। कितना होगा वो, एफ अपॉन एम, मास है एम। और ऐसे वाले फोर्स से जो एक्सेलेशन आता है उसको बोलते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलेशन। वो क्या होगा, एफ, वो भी क्या होगा, एफ अपॉन एम। समझ में आया, सेंट्रिपिटल एक्सेलेशन और टेंजेंशियल एक्सेलेशन क्या होते हैं। सेंट्रिपिटल एक्सेलेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मोशन। समझ में आया। और टेंजेंशियल एक्सेलेशन किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड चेंज, याद है ना सब। फिर हमने दो केस देखे थे, हमने दो केस देखे थे सर्कुलर मोशन में अप्लाई किया था। अगर पार्टिकल केस फर्स्ट क्या था, फोर्स इज परपेंडिकुलर थ्रू आउट द मोशन, फोर्स इज परपेंडिकुलर थ्रू आउट द मोशन, ये केस था ना फर्स्ट। यस। तो पार्टिकल ने कैसा मोशन किया था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आया। अरे रिस्पॉन्स करो, तुम रिवीजन नहीं किया बिल्कुल भी। पार्ट अगर फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा तो सिर्फ सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, इसमें स्पीड कांस्टेंट रहेगी, इसमें सर कांस्टेंट रहेगी, ओनली डायरेक्शन विल चेंज। हाँ सर। क्या चेंज होगा, ओनली डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा। हाँ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, इसकी रेडियस है आर, तो अगर मैं इसकी स्पीड में रेडियस से डिवाइड करूं तो वो होता है एंगुलर वेलोसिटी, होता है कि नहीं होता, वो भी कांस्टेंट रहेगा। यस सर। हाँ यस सर। अब स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जीरो रहेगा। हाँ सर। और ओमेगा कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलेरेशन भी जीरो रहेगा, ये सब हमने पढ़ा था। हाँ सर। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन मींस जो स्पीड को कम या ज्यादा करता है, ठीक है, बट यहाँ पे कौन सा एक्सेलेरेशन जीरो नहीं रहेगा, सेंट्रीपिटल, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, तो इसकी वजह से कौन सा एक्सेलेरेशन आएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, दैट इज नॉट जीरो, ये हमने देखा था। समझ में आया। हाँ सर। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कितना होगा, जितना सेंटर, जैसे मान लो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है इधर, ठीक है, और फोर्स लग रहा है इधर सेंटर की तरफ, तो ये सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है इसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कितना होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स अपॉन मास। समझ में आया। यस। ओके। फिर हमने देखा था
केस टू हमने देखा था, केस टू क्या देखा था हमने, फोर्स इज इंक्लाइंड टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इसमें पार्टिकल ने कैसा सर्कुलर मोशन किया था? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। जैसे मान लो पार्टिकल ऐसे जा रहा है और फोर्स, फोर्स मान लो ऐसे लगा, फोर्स ऐसे लगा, तो फोर्स का एक कंपोनेंट ऐसे आएगा और एक कंपोनेंट ऐसे आएगा, तो ये वाला कंपोनेंट वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर देगा। जब भी पार्टिकल की वेलोसिटी का, दो तरह के सर्कुलर मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, डायरेक्शन तो दोनों में चेंज होती है। याद है ना ऐसा? Yes, तो ये फोर्स का एक कंपोनेंट स्पीड को चेंज कर देगा, और ये वाला कंपोनेंट, ये इस वाले कंपोनेंट को बोलेंगे टेंजेंशियल फोर्स, इस वाले कंपोनेंट को बोलेंगे सेंट्रिपिटल फोर्स। समझ में आया? तो टेंजेंशियल फोर्स स्पीड को चेंज करेगा, सेंट्रिपिटल फोर्स डायरेक्शन को चेंज करेगा। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन ये ऐसे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। समझ में आया? इसमें ना तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी ना ही डायरेक्शन, डायरेक्शन विल आल्सो चेंज, दोनों चेंज होंगे इसमें। तो दोनों की वजह से एक्सेलेरेशन आएगा। जो डायरेक्शन को चेंज करता है उसको बोलते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन, और जो स्पीड को चेंज करता है उसको बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। समझ में आया? यस। तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी इसमें जीरो नहीं होगा और सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन भी इसमें जीरो नहीं होगा। समझ में आया? अगर मैं इसको रेडियस से डिवाइड करूं तो हमें पता है वी बाई आर होता है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, वो भी कांस्टेंट नहीं होगा। अगर स्पीड बढ़ रही है तो एंगुलर वेलोसिटी भी बढ़ेगी। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ, और एंगुलर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट नहीं है तो अल्फा भी जीरो नहीं होगा। अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलेरेशन, होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इफ एंगुलर वेलोसिटी, इफ वी इज इंक्रीजिंग, अगर स्पीड बढ़ रहा है तो ओमेगा बढ़ेगा, तो अल्फा क्या होगा, पॉजिटिव। इफ वी इज डिक्रीजिंग, अगर स्पीड कम हो रही है तो ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी भी कम होगी, तो अल्फा क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव। ये सब समझ में आया? awesome. तो इसमें ना तो at जीरो है, ना सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन जीरो है, ना टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जीरो है, तो नेट एक्सेलेरेशन क्या होगा, वो होगा सम ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन प्लस सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे नेट एक्सेलेरेशन का? अंडर रूट ऑफ सर वो at स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। हां बोलो सर, अंडर रूट ऑफ, वही बोल रहा था। हां हां, दोनों परपेंडिकुलर है ना, देखो ये पार्टिकल इधर जा रहा है तो पार्टिकल पर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन तो ऐसे आएगा और सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन सेंटर की तरफ आएगा, तो नेट किधर आएगा, दोनों के बीच में कितना आएगा, at स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। समझ में आया क्या? समझ में आया? अरे जिस तरफ फोर्स लग रहा है नेट फोर्स, उसी तरफ आएगा ना नेट एक्सेलेरेशन भी। हाँ सर। ये वाला एक्सेलेरेशन टेंजेंशियल फोर्स की वजह से आया, at, ac आया सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से, तो उनका नेट एक्सेलेरेशन, टोटल एक्सेलेरेशन अगर आपसे पूछा जाए तो वो होगा सम ऑफ, वेक्टर सम ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन प्लस सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन। समझ में आया? ये यहां तक हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। ठीक है? यस सर। तो अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक, लिखो रिलेशन बिटवीन सेंट्रिपिटल टेंजेंशियल and
नेट एक्सेलेरेशन। रिलेशन बिटवीन सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल एंड नेट एक्सेलेरेशन। सर हाँ बोलो सर, वो दूसरे टॉपिक का है सर, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर कांस्टेंट रहेगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कांस्टेंट रहेगा या इंक्रीजिंग रहेगा? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन जैसे 5 m/s² तो एक्सेलरेशन जीरो होता है तब वेलोसिटी कांस्टेंट होती, समझ में आया? हाँ। अगर एक्सेलरेशन अगर जीरो नहीं है तो वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे हो सकती है क्या? नहीं सर, ये कांस्टेंट ही तो है, ये 5 m/s² तो वेलोसिटी तो बढ़ रही है ना 5 से। हाँ। समझ में आया? नहीं सर, तो इंक्रीजिंग रहेगा ना सर? अगर पॉजिटिव कांस्टेंट है तो वेलोसिटी बढ़ेगा, और नेगेटिव है रिटार्डेशन भी तो हो सकता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। हाँ सर। तो वेलोसिटी कम होगा, समझ में आया? नहीं सर। ठीक है, अब देखो, तो हम इन तीनों के फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, मुझे बताओ, हमने स्पीड इज इक्वल टू पढ़ा था, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ये हमने पढ़ा था ना? हाँ सर। यस। v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ये हमने पढ़ा था। अच्छा, मैंने बताया था v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r होता है या v इज इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा होता है, कौन सा सही है इसमें? क्या दोनों सही है क्या? नो सर। नो सर, ये गलत है, है ना? डायरेक्शन के साथ मैंने समझाया था, a क्रॉस b और b क्रॉस a इक्वल होता है क्या? नो सर। नो सर। तो हमने पढ़ा था ओमेगा इज इक्वल टू v क्रॉस ओमेगा क्रॉस r होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r होता है, इसी से तो फॉर्मूला आया था v इज इक्वल टू ओमेगा r sin 90। ओमेगा और आर के बीच का एंगल कितना होता है, एंगुलर वेलोसिटी ऐसे होती है और रेडियल वेक्टर ऐसे घूमता है, तो 90 डिग्री होता है ना, तो इससे आया था v इज इक्वल टू आर ओमेगा, फॉर्मूला आया था कि नहीं आया था? या फिर ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर, समझ में आया? हाँ सर। इसमें ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, आर रेडियस है, और v क्या है, ये स्पीड है, ये वेलोसिटी नहीं है, या वेलोसिटी तो ये होता है, इसका मैंने मैग्नीट्यूड लिया है यहाँ पे, ये क्या है, मैग्नीट्यूड फॉर्म है, समझ में आया? यस सर। दिस इज स्पीड, तो इस फॉर्मूले में भी क्या होती है, ये स्पीड ही होती है, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर में वी क्या होता है, स्पीड होता है, समझ में आया? मैग्नीट्यूड होता है मतलब वेलोसिटी का, ठीक है? सो हमने यहां तक देखा था पहले, अब इस अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूं, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं dv बाई dt, तो यहां पर दो प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फिजिकल क्वांटिटीज है, एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस वेक्टर, समझ में आया? रेडियस वेक्टर ही पोजीशन वेक्टर होता है, तो यहां पे क्या लगेगा, कौन प्रोडक्ट रूल लगेगा कि नहीं लगेगा? तो कैसे करेंगे, ओमेगा को लिखूंगा एक बार और फिर डिफरेंशिएट करूंगा इसका, तो बनेगा डी आर बाई डी टी, समझ में आया? बीच में क्या लगाऊंगा, प्लस, फिर आर को लिखूंगा और डिफरेंशिएट करूंगा ओमेगा का, क्या बनेगा, डी ओमेगा बाई डी ओमेगा बाई डी, समझ में आया डिफरेंशिएशन? हाँ सर। यहाँ बीच में लिख लेना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, इससे क्या होगा देखो, अभी बताता हूं, अगर मैंने दोनों साइड डिफरेंशिएट, मुझे बताओ ये क्या है, व्हाट इज डीवी बाय डीटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, डीवी बाय डीटी एक्सेलरेशन, हाँ ये नेट एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या होगा, वेलोसिटी में यहां पे देखो ये v, ये मैंने लिखा है डीवी वेक्टर बाय डीटी, ठीक है? तो यहां पे ये v वेक्टर, इसमें v वेक्टर इसमें क्या है, दोनों है, मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी, और डायरेक्शन भी है, दोनों का डिफरेंशिएशन हो रहा है वेलोसिटी, मतलब ये वेलोसिटी है,
समझ में आया? सो इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या है बताओ? वेलोसिटी है. वेलोसिटी इसको बोलते हैं नेट एक्सेलेरेशन. समझ में आया? तो इसकी जगह क्या लिखो? नेट एक्सेलेरेशन, ए नेट. अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? नेट एक्सेलेरेशन आएगा. समझ में आया? इधर ये क्या, अब आगे लिखो हमें ये ओमेगा, ओमेगा वेक्टर फोर्स. डी आर बाई डी टी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन क्या होता है? तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा? वी वेक्टर प्लस आर क्रॉस डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है ना ये? हाँ सर. तो इसको क्या बोलेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा. समझ में आया? यस सर. तो अब मुझे बताओ, यहाँ पर हमने पढ़ा है सर्कुलर मोशन में, कोई भी सर्कुलर मोशन हो उसमें दो पार्टिकल के पास दो तरह के एक्सेलेरेशन होते हैं. जैसे मान लो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, तो एक एक्सेलेरेशन होता है टेंजेंशियल और एक होता है सेंट्रिपिटल. समझ में आया? और ये होता है एनेट, इन दोनों का सम. एनेट क्या होता है? नेट एक्सेलेरेशन क्या होता है? सम ऑफ सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन प्लस सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन. होता है कि नहीं होता है? यस सर. क्योंकि पार्टिकल पर जब इंक्लाइन फोर्स लगता है, ये फोर्स मान लो ऐसे लग रहा है, इस तरफ ये फोर्स लग रहा है, तो उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा टेंजेंशियल फोर्स, एक कंपोनेंट इधर आएगा सेंट्रिपिटल फोर्स. तो टेंजेंशियल फोर्स की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन आएगा, सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन आएगा. समझ में आया? समझ में आया? अब देखो यहां पर ये एनेट है, मतलब ये दोनों, देखो फिजिकल जब भी इक्वेशन के दोनों साइड एक ही क्वांटिटी होती है, जब भी हम ऐड करते हैं बीच में क्या प्लस का साइन है ना, है कि नहीं है? तो मतलब ये भी एक एक्सेलेरेशन है और ये भी एक एक्सेलेरेशन है कि नहीं है? हाँ. अरे ये क्वांटिटी भी एक एक्सेलेरेशन है प्लस, और ये क्वांटिटी भी प्लस, तभी तो इक्वेशन वैलिड है, वरना गलत होगी. होगी कि नहीं होगी? हाँ सर. तो इनमें से एक एसी है और एक एटी है कि नहीं है? इस इक्वेशन से yes, इससे तो इनमें से एक एसी है और एक एटी है. अब हमें पता करना है कौन एसी है कौन एटी है. तो पहले मैं खुद बता देता हूं, फिर बाद में प्रूफ भी कर दूंगा कि क्यों ऐसा हुआ. देखो ये है एसी, सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन है ओमेगा क्रॉस वी, प्लस ये है एटी. अभी बताता हूं देखो कैसे. समझ में आया? तो यहां से मुझे एसी का फॉर्मूला मिल गया. एसी का फॉर्मूला क्या आया? ओमेगा क्रॉस वी. और एटी का फॉर्मूला क्या आया? आर क्रॉस एल. ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है. अब पहले तो डाउट ही आया होगा कि सर आपने इसको एसी बोला और उसको एटी बोला, उल्टा भी तो हो सकता था. तो प्रूफ कर देते हैं कि कौन सा एसी और कौन सा एटी है. यहां तक लिख लो पहले. समझ में आया क्या? डाउट सबको ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि सर ओमेगा क्रॉस वी एटी भी तो हो सकता है? आ रहा है क्या डाउट? यस सर. हाँ तो उसको प्रूफ करेंगे. पहले ये लिखो, सर ऑफलाइन कब चालू हो, कुछ डिसाइड हुआ? तुमसे क्या बोला जा रहा है? मुझसे तो बोलते हैं थोड़े टाइम में होने वाला है. पर 1 वीक पहले तो बताएंगे ना, एक हफ्ते या फिर 2 हफ्ते पहले. एक हफ्ते पहले बताएंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे कल से क्लासेस शुरू है. और सर फिर 100% कैपेसिटी है, फिर आधे बच्चों घर पे आधे क्लासेस में ऐसा करेंगे क्या?
अगर चालू हुआ तो सब बच्चों एक साथ बुलाएंगे? वो तो गाइडलाइंस के हिसाब से डिसाइड होगा कि कितने मैक्सिमम बिठा सकते हैं एक क्लास में, एक बेंच में कितने हो सकता है, दो बेंच बने या फिर हो सकता है एक ही बेंच में हो जाए। सर कॉलेज वाले भी चालू करने वाले हैं बोल रहे हैं हमारे कॉलेज में, शायद है ना। लिख लिया सर, विरार तो पालघर के अंडर आता है ना, तो उसमें मुंबई का कुछ ये जरूरत नहीं है ना मुंबई का कुछ। सो टेंजेंशियल फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स, इसमें किसी को डाउट है कुछ भी? टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन, लिखते जाओ। मैं एक बार और यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ। जैसे मान लो ये पार्टिकल है, ये इस तरफ जा रहा है, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, और मान लो इस पर फोर्स लग रहा है इंक्लाइंड, इसका मास है एम, ठीक है? तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट तो मोशन की तरफ जो आता है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स, और जो परपेंडिकुलर आता है उसको बोलते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। समझ में आया? तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन आएगा टेंजेंशियल फोर्स अपॉन मास, और सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन आएगा सेंट्रिपिटल फोर्स अपॉन मास। समझ में आया? ये हमने सीखा है अभी तक। और नेट एक्सेलेरेशन क्या होगा? इन दोनों का सम। आया समझ में? यस सर। हटा दूं मैं पेज, ऊपर कर दूं? सर रुको एक मिनट, एक आशुतोष चैट में पूछते हो ना कभी कभी, ध्यान नहीं जाता है तो बोल दिया करो। न्यू स्टूडेंट है इसलिए शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। अभी ये आई गेस फोर्थ लेक्चर चल रहा है सर्कुलर मोशन का, फोर्थ चल रहा है ना बच्चों ये लेक्चर सर्कुलर? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ये कितने लेक्चर में खत्म होने वाला है? वैसे तीन लेक्चर और लग जाएंगे इसमें सर। फिर शीट करना सॉल्व कर दे। शीट करना तो अभी से कर दो, जो टॉपिक पढ़ते जा रहा है उसके साथ साथ सॉल्व करो ना, शीट में मिलेंगे तुम्हें क्वेश्चन। अभी बीच में बोर्ड एग्जाम थे इसलिए मैंने कुछ ज्यादा बोला नहीं, बट अभी शीट सॉल्व करने लग जाओ। हाँ सर। सर और डीपीपी का वगैरह कुछ ये नहीं ना सब? डीपीपी आप कौन बोल रहे हो, न्यू स्टूडेंट बोल रहे हो क्या? नहीं सर, मैं सर्वेश बोल रहा हूँ। सर्वेश बोल रहे हो, डीपीपी नहीं है क्या तुम्हारे पास? नहीं सर। हाँ नहीं, नहीं है। कौन सी वाली नहीं है? मैं भेज दूंगा, मुझे बता देना। सर सर्कुलर मोशन की मैंने स्टार्टिंग की थी ना, उसमें होंगे। चलो मैं भेज दूंगा। हाँ सर, और पिछले भी लेसन के नहीं थे, मैं सिर्फ शीट सॉल्व कर रहा। भेज दूंगा, सेकंड नहीं भेजी होगी। इसके भी नहीं थे, वर्क के, पावर एंड एनर्जी के भी। ओके, वो सेकंड डीपी में। हाँ सर, थैंक यू सर। लिख लिया सबने? जल्दी लिखो थोड़ी, देखो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अब हमें। जल्दी जल्दी लिखो थोड़ा। हाँ सर, हो गया। सर अब कौन से टॉपिक्स बाकी रह गए अपने? इसके बाद हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास, फिर एसएचएम, फिर वेव्स। रोटेशन रोटेशन इस सेशन में नहीं पढ़ोगे तुम, वो नेक्स्ट सेशन में होगा, ठीक है? अब देखो सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन इज ओमेगा क्रॉस वी, ये कैसे आया वो देखते। सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन इज ओमेगा क्रॉस वी, देखो हमें ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालना आती कि नहीं आती? अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर इधर ए की तरफ फिंगर रखो और बी की तरफ घुमाओ, तो ए क्रॉस बी ऐसे ऊपर आएगा ना, ये निकालना आता है ना तुम्हें? यस सर। बस यही करना है यहाँ पर, ये ए क्रॉस बी होता है, ठीक है? ये रूल लगाना है, इस रूल को क्या बोलते हैं? राइट हैंड थंब रूल।
राइट एंड थंब रूल बोलते हैं। तो अब यहां पर मुझे ओमेगा क्रॉस वी की डायरेक्शन देखनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया, हेलो हाँ सर आवाज नहीं आ रहा था तो मैं सोचा अब आवाज आ रहा है। हाँ सर। अब देखो ये एक सर्कल हो रहा है, इस प्लेन में एक सर्कल हो रहा है, ठीक है, ये इसकी रेडियस है। मान लो पार्टिकल यहां पर है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, ये टेंजेंशियल होगी कि नहीं होगी। यस। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, एंगुलर वेलोसिटी मैं ओमेगा क्रॉस वी ये चेक कर रहा हूं, ओमेगा क्रॉस वी चेक कर रहा हूं मैं पहले, तो ओमेगा किधर होगा, ऊपर या नीचे, किधर होगा इस प्लेन के, ऊपर होगा सर, ऊपर होगा, ऐसे ऐसे राइट हैंड थंब रूल लगाओ, ऐसे घूम रहा है ना, तो ऐसे ऊपर थंब किधर आ रहा है, ऊपर, तो ओमेगा की डायरेक्शन ऐसे ऊपर है, तो इस वेक्टर को मैं इधर भी शिफ्ट कर सकता हूं, ऐसे लिख सकता ना, पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं ना वेक्टर को, तो हाँ ओमेगा ऊपर है और वी उधर है, वी ऐसे अंदर की तरफ है और ओमेगा ऊपर है, तो ओमेगा क्रॉस वी करके देखो थंब किधर आ रहा है, थंब इधर आ रहा है, सर्कल की तरफ, क्रॉस वी की डायरेक्शन है, इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा ना ओमेगा क्रॉस वी। हाँ सर। तो मुझे बताओ ये सेंटर की तरफ आ रहा है, तो सेंटर की तरफ जो एक्सेलेरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रिपेटल एक्सेलेरेशन, इसलिए ये सेंट्रिपेटल एक्सेलेरेशन है, समझ में आया, समझ में आ गया, अरे समझ में आया, ओमेगा क्रॉस वी सेंट्रिपेटल एक्सेलेरेशन क्यों है। यस सर। हाँ सर। अब टेंजेंशियल का देखते हैं। हाँ का टेंजेंशियल का देखते हैं। अगेन देखो जैसे मान लो पार्टिकल वैसे ही घूम रहा है, पार्टिकल है ना, अब मुझे ये देखना है r क्रॉस अल्फा, तो ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, तो r वेक्टर तो ये वाला वेक्टर होगा ना, r वेक्टर क्या होता है, पार्टिकल जिधर जिधर जा रहा है सेंटर से वो पोजिशन वेक्टर होता है, होता है कि नहीं होता, रेडियस वेक्टर, हाँ, तो ये r वेक्टर है, तो इसको मैं ऐसे इधर भी दिखा सकता हूँ, r वेक्टर को रेडियली आउटवर्ड होता है ना r वेक्टर, तो पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ ना उसको, और अल्फा, अल्फा वेक्टर किधर होगा, अल्फा भी एक्सेल एंगुलर एक्सेलेरेशन, अल्फा भी एंगुलर एक्सेल वेक्टर है, तो ऐसे घूम रहा है तो ऊपर ही होगा, हाँ सर, ये अल्फा, तो इसको मैं यहां दिखा सकता हूँ ऐसे, अल्फा, समझ में आया, अब आर क्रॉस अल्फा करना है, मैं आर क्रॉस अल्फा, तो आर की तरफ फिंगर, बाहर की तरफ फिंगर, ऐसे सर्कुलर मोशन हो रहा है ना, अल्फा ऊपर आर बाहर, तो आर की तरफ फिंगर और थंब ऊपर, समझ में आया क्या, यस सर, तो किधर आया डायरेक्शन, आउटवर्ड आया सर, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल आया ना, तो टेंजेंशियल कौन सा होता है, टेंजेंशियल, इसलिए इसको बोला टेंजेंशियल एक्स, समझ में आया क्या, यस सर, लिख लो, डायग्राम बना लो,
रुको बच्चों, यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक की थी। यहाँ देखो सब, ओमेगा क्रॉस डीआर बाय डीटी, ओमेगा क्रॉस डीआर बाय डीटी, फिर यहां पर पहले ओमेगा है ना, तो हम ऐसे इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर सकते, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। पहले हमने ओमेगा को लिखा, फिर आर का किया है ना, अब ओमेगा का करेंगे, डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर आएगा। समझ में आया क्या? ऐसे उल्टा क्रॉस ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिख सकते हैं क्या? तो यहां पर नीचे थोड़ा सा इसको ऐसे लिखो, तो क्या बन जाएगा? डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है? अल्फा क्रॉस आर। ठीक है, तो एटी का जो फॉर्मूला आएगा वो आर क्रॉस अल्फा नहीं, अल्फा क्रॉस आर आएगा। आर क्रॉस अल्फा गलत है, क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या आएगा? अल्फा क्रॉस आर। समझ में आया? अब अल्फा क्रॉस आर करके देख लो इधर, सर वो साइड आएगा ना। हाँ, तब उधर घूम रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी उधर ही होगा ना। इधर देखो, ये एटी को मैंने हटाया, अल्फा क्रॉस अल्फा ऊपर और आर नीचे, तो अल्फा क्रॉस आर किधर आएगा? इस तरफ आएगा। समझ में आया? इट इज अल्फा क्रॉस आर। पार्टिकल ऐसे जिस तरफ घूम रहा है उसी तरफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। लिख लो ये पूरा। लिख लिया? अच्छा, दो मिनट। Done? No. Sir, rigid body class 11th में या 12th में? Class 11th में है वैसे वो, but हमारा session ये late शुरू हुआ ना, तो उसको हम 12th में complete करेंगे। SSC board में 12th में, CBSC में 11th में। लिख लिया? हाँ सर। सो अभी तक हमने क्या देखा कि सर्कुलर मोशन में दो तरह के एक्सेलेरेशन होते हैं, टेंजेंशियल और सेंट्रिपिटल, उन दोनों का सम होता है एनेट, और एक एंगुलर एक्सेलेरेशन
जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आया? अब एक एक करके इन सबको लिख लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। इन सबके फॉर्मूले मिल गए ना हमें, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आया? What is the formula of centripetal acceleration? Omega cross v. इसके बारे में लिख लेते हैं। Centripetal acceleration is responsible for, it is responsible for क्या change करवाता है? Direction. Yes, change in direction of motion. किसी पार्टिकल के डायरेक्शन ऑफ मोशन को कौन चेंज करवाता है? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। समझ में आया? जैसे ये पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूम रहा है तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी हमेशा? अगर पार्टिकल यहाँ है तो सेंटर की तरफ, यहाँ है तो ऐसे हमेशा सेंटर की तरफ होगी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। तो पार्टिकल घूमेगा तो सेंटर की तरफ इसकी डायरेक्शन भी हमेशा घूमती जाएगी। समझ में आया क्या? Yes. तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा चेंज होगी। जैसे अभी यहाँ है और जब यहाँ जाएगा तो ऐसे हो जाएगी डायरेक्शन। समझ में आया क्या? कभी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऐसे होगी, कभी ऐसे होगी, कभी ऐसे होगी, कभी ऐसे होगी, तो इसकी डायरेक्शन तो हमेशा चेंज हो रही है ना कि नहीं हो रही है? हो रही है। नहीं हो रही है सर्कुलर मोशन में? हो रही है। इट्स डायरेक्शन in a circular motion changes continuously हमेशा इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। सो ये कॉन्स्टेंट हो सकता है क्या मुझे बताओ? क्या सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में कॉन्स्टेंट हो सकता है? No, sir. नहीं हो सकता। समझ में आया? इट इज ऑलवेज वेरिएबल। ठीक है, सो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आया था? ओमेगा क्रॉस वी, है ना? तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ये होगा ओमेगा वी इंटू साइन 90। ओमेगा और वी में एंगल कितना था? 90 डिग्री था ना? हाँ। ये देखो डायग्राम में, ये वी और ये ओमेगा, 90 डिग्री का एंगल है दोनों में। तो साइन 90 कितना हो जाएगा? 1। तो एसी इज इक्वल टू आया ओमेगा इंटू वी। हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू होता है वी बाई आर, होता है कि नहीं होता है? तो ओमेगा की जगह अगर मैं वी वी बाई आर लिखूंगा तो क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर बाई आर, और वी वी हमें पता है वो होता है आर ओमेगा। तो अगर वी की जगह मैं आर ओमेगा लिखूंगा तो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। ये सब फॉर्मूले हैं इसके। समझ में आया? यस सर। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। अभी तक हमें फॉर्मूला नहीं पता था ना, बस बोल रहे थे सेंटर की तरफ लगता है, डायरेक्शन चेंज करता है, बट होता कितना है? तो ये फॉर्मूला है इसका। आया क्या समझ में? अब देखो यूनिफॉर्म सर, ये वी क्या है? यहाँ पे वी क्या है? ये स्पीड है, मैग्नीट्यूड है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है, होती है कि नहीं होती है? यस सर। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा किसमें? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अगर वी बढ़ेगा तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बढ़ेगा, वी कम होगा तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कम होगा, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. लिख लो। Mm-hmm.
निकलिया नो सर देखो नेक्स्ट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नो सर रुको ना और वो उधर का भी जरा सा ये इट्स डायरेक्शन वाला ये हो गया है सर आप थर्मोडायनेमिक्स डायनेमिक भी लेने वाले हो क्या जो फिजिक्स के लिए बोर्ड क्लास के लिए सर अगले वीक तक खत्म कर दो ना क्योंकि फिर टाइम नहीं रहेगा हाँ ट्राई करते हैं मार्च में चालू हो रहा है फर्स्ट वीक हाँ ट्राई करते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है जो स्पीड को चेंज करता है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन है ना सो इसको हम क्या बोल सकते हैं इट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है नेट एक्सेलेरेशन एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड सिर्फ मैग्नीट्यूड को कौन चेंज करता है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन समझ में आया Yes. तो एटी का फॉर्मूला क्या आया था अभी हमने देखा क्या है एटी का फॉर्मूला अल्फा क्रॉस आर आर क्रॉस अल्फा मत करना गलत हो जाएगा तो इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो एटी इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा आर साइन 90 इनके बीच में भी एंगल 90 डिग्री है के नहीं है तो एटी इज इक्वल टू आ गया आर अल्फा ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है समझ में आया एटी इज इक्वल टू आर अल्फा ये फॉर्मूला याद रखना है और एटी को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड भी बोलते हैं इट इज रेट ऑफ देखो ये क्या चीज होता है देखो फिर से देखो अगर डाउट है तो ये होता है वेलोसिटी है ना और ये क्या होता है ये क्या होता है या फिर ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो ये होता है स्पीड समझ में आया समझ में आया हाँ सर अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं वेलोसिटी को तो ये बनेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये क्या बनेगा ये बनेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड समझ में आया हाँ
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं नेट एक्सेलरेशन, और इसको क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। समझ में आया? हाँ, अरे कंसेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए सब? हाँ सर। मुझे बताओ इन तीनों में क्या डिफरेंस है? मैं तीन तीन चीज लिख रहा हूं पे, dv by dt का मैग्नीट्यूड और dv by ये, बताओ तीनों एक ही चीज है क्या? नो सर। फर्स्ट वन क्या है? सर फर्स्ट वन फर्स्ट वन इसको पहले ऐसे बोलो सर, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, hence it is called net acceleration. समझ में आया क्या? हाँ सर। सेकंड वन क्या है सर? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यस वेरी गुड। इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। यस इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। देखो ये तो है, वो एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड है, ये तो है देखो नेट एक्सेलेरेशन, ये है नेट एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड। समझ में आया? यस सर। और ये क्या है? ये टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। समझ में आया तीनों में डिफरेंस? डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? लिख लो। सो इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जेईई मेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपको पता होना चाहिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है? सो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो मान लो अगर आपको 80 गिवन है तो क्या एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन गिवन है तो यस निकाल सकते हैं, 80 बाय आर कर दो। समझ में आया? अगर आपको स्पीड गिवन है तो स्पीड को डिफरेंशिएट करोगे तो यहां पे लिख लो बाय डिफरेंशिएटिंग स्पीड। अगर हम स्पीड को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? 80 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बाय डिफरेंशिएटिंग स्पीड वी विल गेट कौन सा एक्सेलरेशन मिलेगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80। नेट एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, ना ही सेंट्रीपिटल मिलेगा। स्पीड को कौन चेंज कर, स्पीड चेंज करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा। समझ में आया? और अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को रेडियस से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा? बाय डिवाइडिंग एक्सेलरेशन बाय रेडियस अल्फा मिलेगा, वी विल गेट अल्फा। ये याद रखो, ये प्रोसेस होती है क्वेश्चन सोल्व करने की, पता ही नहीं लगता बच्चों को कैसे निकाले। सिंपल है, स्पीड गिवन है डिफरेंशिएट करो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा, उस पे रेडियस से डिवाइड करो एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया तो ओमेगा वगैरह सब निकाल सकते हो। समझ में आया क्या? अगर ये निकल गया तो इससे ओमेगा, ओमेगा से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये सब निकल जाएगा लाइन से। निकलेगा या नहीं निकलेगा? हाँ सर। तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं सर्कुलर मोशन में, ये प्रोसेस अपनानी है हमें। समझ में आया? अल्फा क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी। अल्फा क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी। अगर आपको अल्फा पता है तो ओमेगा निकल जाएगा, और ओमेगा पता है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर आर, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी निकल जाएगा।
तो आपने एटी निकाल लिया, सेंट्रीपिटल निकाल लिया, अल्फा निकाल लिया, ओमेगा निकाल लिया, एन एट निकल जाएगा, सब निकल गया, और क्या पूछेंगे आपसे? समझ में आया क्या? तो ये सब फॉर्मूले माइंड में फिट होना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे बहुत इजीली, फिर ये चैप्टर इजी लगेगा। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। लिखो यहाँ तक। हटा दूं? Yes, no, sir. No. देखो। उसका पीडीएफ भेजेगा ना यार, इसका एक ही फाइल में बनता है, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा। ओके। पीडीएफ नहीं बन पाता इसका, ये माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड। या फिर जिसके पास ये क्लीन दिख रहा है एकदम, वो स्क्रीनशॉट लेके रख लो। लिख लिया? वेट वेट, शटन बता दूं ना? चलो अब एक स्टेटमेंट लिखता हूं, बोलो सही है ट्रू या फॉल्स है। फॉर सर्कुलर मोशन, हमने इतना पढ़ा है तो अब इसका आंसर आना चाहिए। फॉर सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नेसेसरी बट टेंजेंशियल, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंड एंगुलर acceleration can be equal to zero. बताओ statement true है या false है? For circular motion, centripetal acceleration is necessary, but tangential and angular acceleration can be equal to zero. बताओ statement सही है गलत है? आवाज आ रही है ना मेरी? सर ट्रू है। सर गलत है। हाँ ट्रू है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दोनों जीरो है ना, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है?
पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट होती है, होती कि नहीं होती है? यस सर, कांस्टेंट है तो एटी जीरो हो जाएगा, और अल्फा होता है एटी बाई आर, होता है कि नहीं होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को रेडियस से डिवाइड करो तो अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा भी जीरो हो जाता है। ये दोनों होता है ना इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, समझ में आया? यस सर। बट सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इसमें जीरो होता है क्या? नहीं, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ही तो डायरेक्शन चेंज करता है। अगर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ही जीरो हो जाए तो डायरेक्शन कैसे चेंज होगी, और डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो पार्टिकल सर्कुलर में कैसे घूमेगा? समझ में आया? हाँ सर। यस सर। लिख लो। तो किसी भी सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब जीरो हो सकते हैं, बट सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जीरो नहीं होना चाहिए। समझ में आया? हाँ। तो एक बार और हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन कौन से एक्सेलरेशन होते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, और नॉन यूनिफॉर्म में एक बार पढ़ लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है? सो लिखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो थोड़ा नीचे करो ना, ऊपर का नहीं लिखा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है, होती कि नहीं होती है? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। वी स्पीड वी बाय आर होता है ना, तो ये भी कांस्टेंट होगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है डी ओमेगा बाय डीटी, वो भी जीरो होगा। होगा कि नहीं होगा ये तो पता है ना? हाँ। यस सर। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, तो बचा कौन सा? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, जो सेंटर की तरफ लगता है। ये तो होगा तभी तो पार्टिकल घूमेगा। वो कितना होगा? वी स्क्वायर बाई आर, है ना? और हमें पता है एन एट इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर सम ऑफ ए सी प्लस ए टी, दोनों का सम होता है ना, तो ए टी तो जीरो है, तो एन एट इज इक्वल टू ए सी होगा। तो नेट एक्सेलेशन का फॉर्मूला भी इसमें क्या आएगा? वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि एक ही तो एक्सेलेशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, वही नेट एक्सेलेशन है और वही सेंट्रिपिटल एक्सेलेशन है। समझ में आया? हाँ सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? NUCM। NUCM में बताओ एटी और अल्फा जीरो होगा क्या? नो सर। हाँ, क्यों? क्योंकि इसमें स्पीड चेंज होती है, इसमें पार्टिकल की स्पीड चेंज होती है ना, इसमें दोनों फोर्स लगते हैं, टेंजेंशियल और सेंट्रिपिटल इंक्लाइंड फोर्स लगता है इसमें, हमने देखा था ना। तो इसमें पार्टिकल की ना तो स्पीड, पार्टिकल की ना तो स्पीड कांस्टेंट होती है इसमें, स्पीड इज नॉट कॉन्स्टेंट। स्पीड कॉन्स्टेंट नहीं है तो स्पीड को कौन चेंज कर रहा है? कौन सा एक्सेलेरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है स्पीड को चेंज करने के लिए? टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन ही तो होता है डी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, सो इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। समझ में आया?
तो at कितना होगा r इंटू अल्फा, इसमें निकल जाएगा क्योंकि इसमें अल्फा भी जीरो नहीं है, समझ में आया? अल्फा कैसे निकालेंगे, पहले ओमेगा निकालेंगे, ओमेगा क्या होता है v बाई आर, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है v बाई आर, ये कॉन्स्टेंट है क्या बताओ, ये कॉन्स्टेंट नहीं है, अल्फा क्या होगा, नो सर, डी ओमेगा बाई डी टी है ना, तो अगर इफ ओमेगा, अगर ओमेगा बढ़ रहा है, इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग तो अल्फा क्या होगा, पॉजिटिव, एंड इफ ओमेगा इज डिक्रीजिंग तो अल्फा क्या होगा, नेगेटिव, समझ में आया क्या, आ गया समझ में? हाँ सर। तो यहां इसमें तीन, ना तो इसमें सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन जीरो होगा, ना टेंजेंशियल जीरो होगा, ना एंगुलर, तो नेट एक्सेलेरेशन इसमें क्या होगा, हमें पता है नेट एक्सेलेरेशन होता है एसी प्लस एटी, ये होता है ना, तो नेट एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एसी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर, इससे निकल जाएगा पार्टिकल का एसी, ये ऐसे होगा नेट, ऐसे होगा किसी भी पोजीशन पर दोनों परपेंडिकुलर होंगे एटी और एसी, तो इनका नेट एक्सेलेरेशन क्या आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, समझ में आया? एसी क्या होगा, एसी ये होगा वी स्क्वायर बाई आर, आर इसकी रेडियस, सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या आया था, वी स्क्वायर बाई आर, एटी यहां से मिल जाएगा, एसी यहां से मिल जाएगा और एनेट इससे नहीं मिल जाएगा, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, लिखो, सो क्लियर हुआ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से घूमता है, स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जीरो है, ओनली कौन सा एक्सेलेरेशन है जो सिर्फ डायरेक्शन, इसमें क्या चेंज होती है, ओनली डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो चेंज होता ही नहीं है यूनिफॉर्म में, सो डायरेक्शन को ओनली चेंज कौन करता है, सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन यहां पे जीरो है, समझ में आया? देन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड भी चेंज होती है और डायरेक्शन दोनों चेंज होती है इसमें, समझ में आया क्या? तो स्पीड को चेंज करता है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन एटी और डायरेक्शन को चेंज करता है सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन, तो नेट एक्सेलेरेशन क्या होगा, दोनों का सम, आया समझ में? कोई डाउट है यहां तक? नो सर। लिखो, थोड़ा ऊपर करो ना, अब ठीक है, लिख लिया? नहीं, लिखो,
लिख लिया। मैंने लिख लिया। सर लेक्चर कितने बजे तक है? हाँ लेक्चर कितने बजे तक है? 6:30 सर। 6:30 से हम लोग का मैथ्स का लेक्चर। सर मैथ्स का लेक्चर 6:45 से ना हो तो हम लोग का तो 6:30 दे जाए। नो सर 6:30 है। 10 मिनट का ब्रेक दे दूंगा। एक क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन तो करो। इस पे इतना सारा पढ़ा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे क्या? क्वेश्चन क्या है? 6:45 है। हम हमें टाइम टेबल में दिया है ना 6:45 से एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन है। क्वेश्चन सॉल्व करो। एक पार्टिकल है सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। इस सर्कुलर मोशन का एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन है। फाइंड क्या करना है? देख रहा हूं इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भी जीरो है ठीक है। इसकी रेडियस है 1 मीटर। आपको फाइंड करना है नेट एक्सेलेरेशन एट टी इक्वल टू 3 सेकंड पर। नेट एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना है टी इक्वल टू 3 सेकंड पर। ट्राई करो। रेडियस है 1 मीटर। बताओ ये कौन सा एक्सेलेरेशन है? कौन सा सर्कुलर मोशन है? यूसीएम या नॉन यूसीएम? अल्फा जीरो नहीं है मतलब NUCM। सारे फॉर्मूले लिखे हुए NUCM के ऊपर। ये सब लगा के सब निकाल सकते हैं। बताओ चलो सोल्व मैं करता हूँ। देखो हमें क्या क्या गिवन है। अल्फा इज इक्वल टू 2t² ये गिवन है ना। ओमेगा इनिशियल जीरो है। नेट एक्सेलेरेशन, नेट एक्सेलेरेशन क्या होता है एनयूसीएम में? सबसे पहले मुझे बताओ ये एनयूसीएम है ना? हाँ। तो एनयूसीएम में दोनों टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी होता है सेंट्रिपिटल भी होता है। तो नेट एक्सेलेरेशन होता है एनयूसीएम में at² प्लस ac² ये होता है ना। अरे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यस सर। मान लो पार्टिकल यहाँ है तो इस पर सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन ऐसे होगा, टेंजेंशियल ऐसे होगा। तो नेट एक्सेलेरेशन nat जो पूछा है आपसे उसका फॉर्मूला यही होगा ना। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए ना फॉर्मूले में क्या लगाना क्या है। nat पूछा है तो ये फॉर्मूला लगेगा है ना। yes, sir. ना तो हमें at पता है ना ac। तो देखो ac तो होता है v² / r या फिर ω² r है ना। r पता है ओमेगा अल्फा से निकल जाएगा। निकलेगा या निकलेगा? यस सर। हाँ निकलेगा। at होता है अल्फा r अल्फा। तो at भी अल्फा से निकल जाएगा और ac ओमेगा से निकल। तो ओमेगा निकाल लो। चलो पहले at निकाल लो। at क्या होता है?
आर अल्फा, आर कितना है वन, आर वन है ना? यस सर। आर की वैल्यू वन पुट कर दो, अल्फा की टू टी स्क्वायर, तो एटी भी आ गया टू टी स्क्वायर, तो टी इक्वल टू थ्री सेकंड पर एटी कितना हो जाएगा? एटीन, थ्री इंटू थ्री कितना आया? एटीन, एटीन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गया क्या? हाँ सर। एटीन मिल गया हमें, इसमें से एक चीज मिल गई। अब एसी निकालना है, तो एसी होता है ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा निकालना पड़ेगा। ऐसे लिंक ढूंढना है तुम्हें फॉर्मूलेज में, फॉर्मूले के बीच में लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है? तो ओमेगा कैसे निकलेगा? ओमेगा इससे निकलेगा, हमें पता है अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी, है ना? कितना अल्फा? टू टी स्क्वायर, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टू टी स्क्वायर डी टी। समझ में आया? अब क्या करेंगे? यस सर। इंटीग्रेशन, दोनों तरफ क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। तो इधर टी जीरो से लेके थ्री तक, समझ में आया? और इधर टी इक्वल टू ओमेगा इनिशियल गिवन है जीरो था, पर ओमेगा निकल जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू टू इंटू सर 27 आएगा ना? क्या 27 आएगा ना ओमेगा? चेक करते हैं, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टी क्यूब बाई थ्री, टी क्यूब पर लिमिट लगेगी जीरो से थ्री तक, तो थ्री इंटू थ्री नाइन इंटू थ्री 27, 27 बाई थ्री कितना हो जाएगा? 9, 9 इंटू टू 18 ही आएगा, 18। समझ में आया? तो ओमेगा आ गया, तो यहां से एसी मिल जाएगा, एसी होगा ओमेगा स्क्वायर आर, तो 18 इंटू 18 इंटू 1, तो एसी मिल गया। अब एसी मिल गया तो इसमें पुट कर दो, एन एट मिल जाएगा। समझ में आया? एटी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट कर दो, ये नेट 80 भी आ गया, एसी भी आ गया, तो एनेट भी आ जाएगा। आया समझ में? हाँ हाँ सर। 18 रूट टू क्या आंसर? क्या फाइनल? सर 18 रूट टू आएगा ना? कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, देख लो इसमें पुट करूँ क्या। 80 कितना है? 18 का स्क्वायर प्लस एसी कितना है? 80 है 18, तो इसका पुट स्क्वायर कर दिया तो 18 का स्क्वायर हो गया, और एसी है 18 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 18 की पावर 4, है ना? अब इसको सोल्व कर लो, उसका स्क्वायर का स्क्वायर करना है ना? यस सर। नाइंटी रूट 13। देख लेना, लिख लिया। हटा दूं? नो सर। एक और क्वेश्चन लिख देता हूं, एक सर्कुलर मोशन हो रहा है जिसकी रेडियस है 3 मीटर, इसकी एंगुलर वेलोसिटी गिवन है 2t रेडियन पर सेकंड, ठीक है? हमें बताना है फाइंड टाइम
when angle between AC, centripetal acceleration, and net acceleration is 37 degree. ये बताना है. किस टाइम पर एंगल बिटवीन एसी और एनेट 37 डिग्री होगा, यह मैं समझ में आया क्वेश्चन, सॉल्व करो. सर उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आ रहा ऊपर का. कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन मैंने डेटा पे डिपेंड करता है, वो जितना आ रहा है उसको वही छोड़ दो ना. हो गया. चलो देखो इधर, हमें बताना है फाइंड टाइम व्हेन एंगल बिटवीन एसी एंड एनएट इज 37 डिग्री. देखो सर्कुलर मोशन में जैसे मान लो पार्टिकल यहां है और सेंटर यहां है, तो एसी तो ऐसे होगा है ना, और AT टेंजेंशियल होता है, NAT इनके बीच का रिजल्टेंट होता है. सर उधर AC आएगा ना, आपने AT लिखा. हाँ वो AC आएगा. ये AC ठीक है. जब NAT और AC के बीच का एंगल 37 डिग्री हो जाए तब हमें टाइम बताना है. समझ में आया क्या? तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 1037 is equal to क्या लिख सकता हूँ मैं? Perpendicular upon base, AT upon AC. लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? एक equation तो ये आ गई. हाँ? Yes sir. Yes sir. इस time पर AT और AC के बीच में relation आ गया. 1037 is equal to AT upon AC. अब मुझे AT और AC निकालना है बस. ठीक है? तो omega AC क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर आर है ना. तो AC हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर मतलब 2t का होल स्क्वायर इनटू आर. आर कितना है? 3. तो AC कितना हो जाएगा? 4, 2 का स्क्वायर 4 इनटू 2 12 20 स्क्वायर. ये तो हो गया AC. AC मिल गया. ठीक है AT और निकाल लेते हैं. AT क्या होता है? ये तो हो गया AC. AT होता है R अल्फा, होता है कि नहीं होता है?
अल्फा में पता नहीं बट हमें ओमेगा पता है, अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी, ओमेगा कितना है 2t, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो अल्फा आएगा, तो कितना आएगा 2, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर, फिर 6 आएगा। ओमेगा को डिफरेंशिएट, एंगुलर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, 2 आ गया, तो यहाँ से 80 आ जाएगा, 80 कितना हो गया, रेडियस है 3 इंटू अल्फा है 2, तो 3 इंटू 2 कितना आया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 80 भी आ गया, एसी भी आ गया, इसमें पुट कर दो, ये इक्वेशन फर्स्ट में दोनों की वैल्यू पुट कर दो, 10 37 कितना होता है 3/4, 80 कितना है 6 अपॉन एसी कितना है 12t², ठीक है, सो 6 से ये 2 टाइम्स, 2 से ये 2 टाइम्स, तो t² = आ गया, इसका उल्टा कर दो 2/3, तो t = आ गया √2/3, समझ में आया? सेकंड, इतने टाइम बाद एंगल 37 डिग्री में आया, समझ में? यस सर। यस, लिख लो। तो ये सब फॉर्मूले लगा के हमसे जो भी पूछा जाए ऐसे निकालना आना चाहिए, समझ में आया क्या? हाँ सर। हो गया, यस सर। अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, किसी भी पाथ की रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो एक पार्टिकल है, वो इस पाथ पर चल रहा है, ठीक है, तो इसकी रेडियस कांस्टेंट है क्या? जैसे सर्कुलर मोशन में तो रेडियस कांस्टेंट होती है कि नहीं होती है? इसमें तो इसकी रेडियस ही है, सेंटर से इसकी डिस्टेंस, ये कांस्टेंट है इसमें, बट अभी जो मैंने पाथ बनाया इसमें रेडियस कांस्टेंट है क्या? नो सर। जैसे मान लो यहां से यहां तक इसकी रेडियस होगी, ये सेंटर इसका, ये डिस्टेंस, यहां से यहां तक इसकी रेडियस होगी, ये इसका सेंटर इधर है, तो ये इसकी रेडियस आर, तो चेंज हो रही ना, यहाँ से यहाँ तक ये इसका सेंटर यहाँ आ गया,
यहाँ से यहाँ तक सेंटर इधर चला गया, यहाँ से यहाँ सेंटर इधर चला गया, समझ में आया क्या? हाँ, तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको रेडियस निकालनी, किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो, तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? देखो जैसे मान लो मुझे इस पॉइंट पर निकालना है, जैसे मुझे इस पॉइंट पर निकालना है, तो यहाँ पर इस पार्टिकल इस पे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है पार्टिकल, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी है? ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, समझ में आया? और मान लो एक्सेलेरेशन, नेट एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन है इस तरफ, ये नेट एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन है, तो इसके दो कंपोनेंट लेंगे हम, मान लो एंगल है थीटा, तो एक कंपोनेंट तो इधर आएगा अलोंग द वेलोसिटी, मान लो ये सर्कल, इसका सर्कल ये है, तो एक कंपोनेंट तो ये आएगा अलोंग द वेलोसिटी, ए कोस थीटा, और ए कंपोनेंट ये आएगा ए साइन थीटा, है ना? अब इस सर, इसकी जो रेडियस है, हमें पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होता है वी स्क्वायर बाई आर, होता है कि नहीं होता है ना? तो रेडियस क्या होगा? वी स्क्वायर अपॉन ए सी होगा कि नहीं होगा? मुझे बताओ यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन ए कोस थीटा है या फिर ए साइन थीटा? ए साइन थीटा है, साइन थीटा, ए साइन थीटा, ये नहीं है ए साइन थीटा, तो रेडियस ऑफ एक्सेलेरेशन, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगी? वी स्क्वायर अपॉन ए साइन थीटा, मतलब ऐसे याद में को साइन थीटा, कोस थीटा भी हो सकता है, मतलब कंपोनेंट, तो इसको क्या लिखूंगा मैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन का वो कंपोनेंट लेना है जो कि परपेंडिकुलर है टू द वेलोसिटी, समझ में आया क्या? कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर वाला क्यों लेना है? एक तो होता है टेंजेंशियल और एक होता है परपेंडिकुलर, तो रेडियस किससे निकलती है? टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन से निकलती है या परपेंडिकुलर से? परपेंडिकुलर, हाँ, तो कंपोनेंट लेंगे, परपेंडिकुलर वाला, समझ में आया क्या? तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है जब भी आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है, तो स्पीड के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन से डिवाइड कर दो, ठीक है? तो एक क्वेश्चन करते हैं, प्रोजेक्टाइल है 50 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया 37 डिग्री पर, ऐसा पैराबोला करेगा, इसका पाथ होगा पैराबोला, हमसे पूछा है फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर of this projectile, of this parabola at topmost point. Find radius of curvature at topmost point. कैसे निकालेंगे? सिंपल है, फॉर्मूला लगाना है जो लिखा है हमने, सबसे पहले स्पीड निकालो टॉप मोस्ट पॉइंट पर, टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्पीड क्या होगी?
यहाँ पर स्पीड कितनी होगी? 50 cos 37 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ना, और इस मोशन में एक्सेलेरेशन तो नीचे ही होता है ना, तो परपेंडिकुलर एक्सेलेरेशन क्या है यहाँ पे? पैराबोला में पूरा हर जगह एक्सेलेरेशन किधर होता है? वर्टिकल डायरेक्शन में होता है ना। हाँ। तो इसके कंपोनेंट लेने की जरूरत है क्या? ऑलरेडी परपेंडिकुलर है इस जगह पर, टॉपमोस्ट पॉइंट पर। अरे ये जो वेलोसिटी है इसके परपेंडिकुलर एक्सेलेरेशन कितना है? 10 ही तो है डाउनवर्ड्स। हाँ सर। तो 50 cos 37 कितना होता है? 4/5, तो 50 × 4/5 मतलब 40। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी आएगी? 40 का स्क्वायर बाई 10 40 × 40 बाई 10 कितनी आएगी? 160 मीटर। समझ में आया क्या? समझ में आ गया? यस सर। हाँ, अगर किसी और पॉइंट पे पूछा जाता तो फिर कैसे निकालते, वो भी करते। लिखो इसको। डन सर। अब इसी क्वेश्चन में पूछा है, सेम क्वेश्चन है, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट टी इक्वल टू 1 सेकंड। तो आपको प्रोजेक्टाइल के कंसेप्ट आने चाहिए यहाँ पे पूरे। टी इक्वल टू 1 सेकंड पर उसकी स्पीड निकालना आना चाहिए और एक्सेलेरेशन के साथ उसका क्या एंगल है वो निकालना आना चाहिए। ट्राई करो एक बार। इसी क्वेश्चन में पूछा है फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट टी इक्वल टू 1 सेकंड। एक काम करो, इस क्वेश्चन में ये एंगल 53 डिग्री कर लो। 50 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है, 8 एंगल 53 डिग्री, ठीक है। तो मुझे बताओ आफ्टर 1 सेकंड ये पार्टिकल की स्पीड कितनी हो जाएगी? अभी इसको 50 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है, ठीक है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? 30। और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? 40। कंपोनेंट निकाल लिया सबने आफ्टर 1 सेकंड। 1 सेकंड के बाद ये वाला कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टल तो 30 रहेगा, वर्टिकल एट टी इक्वल टू 1 पर वर्टिकल कितना हो जाएगा? ये वाला कंपोनेंट 10 से कम होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये भी 30 हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 30√2। और ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। तो टी इक्वल टू 1 सेकंड पर स्पीड है 30√2 और ये एंगल है 45 डिग्री और एक्सेलेरेशन तो नीचे होता है जी। तो हमें जो फॉर्मूला पड़ता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, उसमें होता है फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर, है ना। तो वी के परपेंडिकुलर ये वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा हमें, ये वाला। समझ में आया क्या?
हाँ यस सर, जिस भी पॉइंट पर स्कूल करता है उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेंगे तो इसके यहाँ पे दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो ये आएगा एक ये आएगा, तो कौन सा एक्स कौन सा कंपोनेंट लेंगे, परपेंडिकुलर वाला या टेंजेंशियल वाला? परपेंडिकुलर। हाँ ये है ना परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये कितना आ रहा है, ये एंगल भी 45 डिग्री है तो ये आएगा जी कोस 45, समझ में आया? तो इसमें पुट कर दो बी स्क्वायर मतलब 30√2 का स्क्वायर, 30√2 इनटू 30√2 अपॉन ए परपेंडिकुलर कितना है जी कोस 45, जी मतलब 10 इनटू 1/√2, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, √2 इनटू √2 2, तो 30 इंटू 3 90 इंटू 2 180 और 1/√2 तो ये आएगा आंसर 180√2, समझ में आया क्या? ये सर वापस बता ना परपेंडिकुलर जो लिया है। देखो इस पॉइंट पर t इक्वल टू 1 सेकंड पर पार्टिकल की डायरेक्शन इधर थी, कितनी थी 30√2 और एक्सेलेरेशन था नीचे 10, है ना? बट हमें जो एक्सेलेरेशन पुट करना होता है इस फॉर्मूले में वो होगा इसके परपेंडिकुलर वाला, ये वाला, ये वाला, तो ये एंगल 45 डिग्री है ना, तो ये कितना आएगा 10 cos 45 आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या लिखूंगा मैं 30√2 का स्क्वायर अपॉन 10 cos 45, ये रेडियस कर फॉर्मूला, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर का, v स्क्वायर अपॉन a परपेंडिकुलर, समझ में आया? यस सर। सर फर्स्ट वाला एग्जांपल दिखाइए ना, क्या फर्स्ट वाला एग्जांपल दिखाइए ना। हाँ लिख लिया? यस सर। वेट डन सर। लिख लिया सबने? ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय सर, थैंक यू। बाय, वेलकम। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय सर, थैंक यू सर। बाय।